नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों बीएसएससी सीजीएल 3 में एडिट का ऑप्शन देने एवं संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी करने तथा प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में 1778 अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने, वेटिंग लिस्ट जारी करने और जरूरत पड़ी तो सेकेंड लिस्ट काउंसलिंग के लिए जारी करने, यानी कि 13,120 पदों को भरने की मांग को लेकर 20 जुलाई को सुबह 11 बजे से बीएसएससी ऑफिस में आंदोलन होने जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि आप सभी लोग 20 जुलाई को सुबह 11 बजे बीएसएससी ऑफिस पहुंचिए। बिहार में 8 साल बाद सचिवालय सहायक यानी बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आई और इसमें हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं, लगभग 50,000 से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जिनका कुछ न कुछ गलती हो गया है फॉर्म भरने में, चाहे वो सिग्नेचर हिंदी के जगह इंग्लिश या इंग्लिश के जगह हिंदी हो गया हो, फोटो का बैकग्राउंड गलत हो गया हो या फिर कैटेगरी मिसमैच हो गया हो, जो भी हो लेकिन कुछ ना कुछ गलतियां हो गई है। ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या 50,000 से ज्यादा है और 8 साल से लोग इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। और ये गलती ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स की गलती की वजह से हुआ है, फॉर्म भरने में जो त्रुटि हुई है, साइबर में जाकर लोग फॉर्म भराते हैं, साइबर कैफे में जाकर, क्योंकि सबके पास अपना संसाधन नहीं है, सबके पास लैपटॉप नहीं है, तो साइबर कैफे में जाकर 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स साइबर कैफे में जाकर फॉर्म भरवाते हैं। और साइबर कैफे में क्या होता है, बहुत भीड़ हो जाता है तो साइबर कैफे वाले करते हैं 100-100, 200-200 लोगों का फॉर्म भरने के लिए इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और बाद में फॉर्म भरते हैं, रात में फॉर्म भरते हैं, कभी कभी सर्वर भी स्लो होता है उसके वजह से वो लोग रात में ही फॉर्म भरते हैं, तो उसमें गलतियां हो जाती हैं। और साइबर कैफे वाले जिनको फॉर्म भरने के लिए रखते हैं उनको सही से जानकारी नहीं होता है, जो इन्फॉर्मेशन उनको दिया भी जाता है लिखकर उसमें भी वो गलतियां कर देते हैं। और दूसरी बात कि सर्वर भी स्लो हो जाता है, बीएसएससी का जो फॉर्म भरने का जो लिंक दिया गया था वो स्लो हो जाता है, उसके वजह से भी गलतियां हो जाती है। तो हजारों स्टूडेंट्स हैं, 50,000 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिग्नेचर इंग्लिश के जगह हिंदी, हिंदी के जगह इंग्लिश हो गया है, या कैटेगरी एमबीसी के जगह बीसी, बीसी के जगह एमबीसी हो गया है, या फोटो का बैकग्राउंड गलत हो गया है, तो इसमें सुधार का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि एमबीसी कैटेगरी कहीं भी जिक्र नहीं किया जाता है, बिहार सरकार के कहीं भी गजट में या कहीं भी एमबीसी कैटेगरी का कहीं जिक्र ही नहीं है, लेकिन बीएसएससी एमबीसी कैटेगरी दे देती है जिसके चलते बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एमबीसी के जगह ईबीसी या बीसी1 हर जगह रहता है, लेकिन बीएसएससी एमबीसी कैटेगरी लिख के देती है फॉर्म में जो रहता है ऑप्शन एमबीसी, उसके जगह उसके वजह से भी बहुत सारी गलतियां होती है, कंफ्यूजन हो जाता है। और बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में 1218 अभ्यर्थियों का रिजल्ट, पीटी का रिजल्ट फाइनल के समय यानी काउंसलिंग से ठीक पहले देती है। पीटी का रिजल्ट आ जाता है, मेंस का रिजल्ट आ जाता है, टाइपिंग फिजिकल सब कुछ हो जाता है, जब काउंसलिंग होना रहता है तब 1218 नए अभ्यर्थियों का पीटी का रिजल्ट देती है और ये कहती है कि मानवीय भूल था, छूट गया था। तो अपनी भूल को बीएसएससी 2 साल 1.5 साल बाद सुधार करती है और बोलती है कि मानवीय भूल था, लेकिन यहां जब सर्वर स्लो की वजह से या साइबर कैफे में बहुत भीड़ की वजह से अगर कुछ गलतियां हो गई तो सुधार का एक मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या बिहार में ही बीएड हो या मैट्रिक इंटर किसी भी चीज का फॉर्म भरते हैं तो वहां एडिट का ऑप्शन दिया जाता है कि आप सुधार कर सके, तो बीएसएससी को कम से कम एक मौका सुधार का देना चाहिए और एडिट का ऑप्शन देना चाहिए, भले आप 2 घंटा के लिए ही दीजिए, 1 दिन के लिए ही दीजिए, लेकिन एडिट का ऑप्शन दीजिए। और इसके लिए अगर बीएसएससी को 50-100 रुपया अगर फी भी रखना हो तो वो फी भी रख दे, लेकिन एडिट का ऑप्शन दे, क्योंकि 8 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं। और मान लीजिए अगर सुधार अभी नहीं होता है तो होगा क्या कि पीटी पास कर जाएंगे, मेंस पास कर जाएंगे और काउंसलिंग के समय इनको बाहर कर दिया जाएगा, जैसा कि प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में हुआ, काउंसलिंग भी करवा लिया, जब मेरिट लिस्ट आया तो उसमें बाहर कर दिया गया। तो ऐसी परिस्थिति ना हो, और मान लीजिए कुछ अभ्यर्थी ऐसा हो कि अभी कोर्ट चले जाएंगे तो फिर पीटी परीक्षा में भी विलंब हो सकता है, हो सकता है कोर्ट रोक लगा दे तो पीटी परीक्षा में भी विलंब हो जाएगा, तो बहाली भी फंस सकती है। तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि बहाली फंसे, इसलिए बीएसएससी एडिट का ऑप्शन दे दे, सुधार का एक मौका दे दे, ताकि जो 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स गलती जिनका हो गया वो सुधार कर सके। और इसके लिए अगर बीएसएससी को लगता है तो कुछ शुल्क भी रख दे, 50-100 रुपया जो रखना हो। और दूसरी बात कि प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 8 साल बाद पूरी हुई, 8 साल से इस बहाली में हजारों अभ्यर्थी लगे थे और इस दरमियान हजारों ऐसे अभ्यर्थी है जिनकी उम्र समाप्त हो गई, अब वो सरकारी नौकरी के लिए कहीं भी फॉर्म नहीं भर सकते और 8 साल से इस प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में लगे थे, 2014 की वैकेंसी थी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली, और उसका जब फाइनल रिजल्ट आया, मेरिट लिस्ट आया, तो उसमें 13,120 पदों पे पूरा मेरिट लिस्ट नहीं आया, 11,329 का ही मेरिट लिस्ट आया है। और इस 11,329 में भी बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे
परीक्षार्थी होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे, जिनका 2446 दरोगा बहाली में हो गया होगा या 2213 दरोगा बहाली में जिनका सिलेक्शन हो गया, तो वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। और दूसरे दूसरे जगह पर जिनका हो गया हो, चाहे बीपीएससी में हो गया हो, चूंकि ये 8 साल पहले की वैकेंसी है, तो बहुत जगह इनका सिलेक्शन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, हजारों स्टूडेंट्स होंगे जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया होगा, तो वो लोग भी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में भी 1000 के लगभग लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, 1000 के लगभग ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सीटें और भी खाली हो जाएगी। तो हमारी मांग यह है कि 13120 पदों पर बहाली आई थी 2014 में और 8 साल से हजारों अभ्यर्थी इसमें लगे हैं, तो बीएसएससी को चाहिए कि 13120 पदों पर बहाली पूरी करे और जितने सीटों पर अभी खाली रह गए, जितना सीट उतना पे वो फिर से मेरिट लिस्ट जारी करे। इसके लिए उनको जो भी प्रक्रिया अपनानी हो अपनाए, 1778 अभ्यर्थी जो है उनके साथ न्याय करे। जैसे फिजिकल की बात आती है कि फिजिकल में इन लोगों को मौका ही नहीं दिया गया, फिजिकल में जिन लोगों को मौका दिया गया उनका ज्यादा मार्क्स था, यानी मार्क्स ज्यादा था, ऊपर से इनको मार्क्स बेसिस पे उठाया गया, तो जिनका ज्यादा मार्क्स था उनको फिजिकल के लिए मौका मिल गया, उन्हीं को टाइपिंग के लिए भी मौका मिल गया। और अधिकतर 90% से ज्यादा लोगों की पद प्राथमिकता जो है वो राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव और एलडीसी का था, तो जो लोग क्वालिफाई कर गए फिजिकल में तो वो लोग तो चल गए राजस्व कर्मचारी बन गए, पंचायत सचिव बन गए, एलडीसी में हो गया। लेकिन जो लोग फिजिकल के लिए अप्लाई किए थे, फिजिकल का पद जो है सो प्राथमिकता में दिए थे, उन लोगों को बहुत लोगों को बुलाया ही नहीं गया था, फिजिकल में बुलाया ही नहीं गया था। तो 1778 अभ्यर्थी जो है इनमें ऐसे अभ्यर्थी अधिकतर हैं जिनको फिजिकल के लिए मौका ही नहीं दिया गया, बुलाया ही नहीं गया, तो ये अयोग्य कैसे हो गए? जैसे बीएसएससी कह रहे हैं कि अयोग्य मतलब योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला इसलिए सीट खाली रह गया, तो योग्य अभ्यर्थी कैसे नहीं मिला? आप बुलाए कहां? अभ्यर्थियों को मौका ही नहीं दिया गया, आपने तो जिनका ज्यादा मार्क्स था ऊपर से बुला लिया सबको, और वो लोग राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव और एलडीसी के पद पे चले गए। तो आप जो लोग जितने लोग दिए थे पद प्राथमिकता में फिजिकल के लिए उन सबको आपने तो बुलाया ही नहीं, तो आप उनको मौका दीजिए, 1778 अभ्यर्थी जो है उनको मौका दीजिए, उनमें से जो फिजिकल के लिए अप्लाई किए थे फिजिकल उनसे लीजिए, और उसके बाद 17 जो क्वालिफाई करते हैं तो उनको वो पोस्ट पे, उस पोस्ट पे सिलेक्शन कीजिए, उनका सीट खाली नहीं रहना चाहिए। और अगर जरूरत पड़ती है तो आप काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट भी निकालिए, जैसे कि 1000 के लगभग सीटें खाली रह जाएगी, लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, तो काउंसलिंग के लिए आप सेकेंड लिस्ट भी निकालिए, क्योंकि 13120 पदों पर बहाली निकली थी। इसका मतलब यह हुआ कि 13120 पदों पर बीएसएससी को मेरिट लिस्ट जारी करना है, और ये बहाना नहीं चलेगा कि आप जो है सो योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला इसलिए मेरिट लिस्ट में सबका नहीं आया, सीट खाली रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने टाइपिंग, नॉन टाइपिंग, फिजिकल, नॉन फिजिकल सारे पोस्ट को मिलाकर वैकेंसी निकाला है, तो जिन लोगों ने फिजिकल के लिए अप्लाई किया उन सबको आप मौका तो दीजिए पहले फिजिकल का, आपने तो मौका ही नहीं दिया फिजिकल का। जिनका ज्यादा मार्क्स था उनको टाइपिंग का भी मौका मिल गया, फिजिकल का भी मिल गया, और उन लोगों की पद प्राथमिकता फिजिकल का पोस्ट का था ही नहीं, उन लोगों की पद प्राथमिकता राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, एलडीसी था। तो ऐसी परिस्थिति में जो आपकी गलत प्रक्रिया है उसके वजह से ऐसा हुआ है कि सीट खाली रह गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, 13120 पदों पर बहाली होनी चाहिए। तो इन सभी मांगों को लेकर 20 जुलाई को सुबह 11 बजे बीएसएससी ऑफिस आंदोलन होना है। आप सभी अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग आइए और CGL3 में एडिट का ऑप्शन और परीक्षा कैलेंडर जारी हो ताकि 1.5 साल के अंदर ये बहाली पूरी हो। तो इन सभी मांगों को लेकर बीएसएससी ऑफिस 20 जुलाई को सुबह 11 बजे आइए, और आप लोग घर मत बैठे रहिएगा क्योंकि आंदोलन बार बार नहीं होता, एडिट के ऑप्शन के लिए हजारों अभ्यर्थी परेशान है, तो 20 जुलाई को देखना है कि कितने अभ्यर्थी आते हैं। अगर आप लोग नहीं आएंगे तो फिर एडिट के ऑप्शन के लिए बाद में कभी कोई आंदोलन नहीं हो पाएगा, तो आप लोग समझ जाइएगा। जैसे अभी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो चुका था और कैटेगरी मिसमैच की वजह से वो बाहर हो गए, क्योंकि एडिट का ऑप्शन बीएसएससी ने उस समय नहीं दिया था, जिसके वजह से बहुत सारे लोग बाहर हो गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति आप लोगों के साथ न आए, इसलिए 20 जुलाई को आप सभी लोग आइए ताकि CGL3 में एडिट का ऑप्शन दिया जाए, सुधार का मौका दिया जाए और परीक्षा कैलेंडर CGL3 का जारी हो ताकि 1.5 साल के अंदर बहाली पूरा हो और प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में 1778 अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो, उनको फिजिकल के लिए मौका दिया जाए और सभी सीटों पर बहाली पूरी हो। इन्हीं सब मांगों को लेकर 20 जुलाई को सुबह 11 बजे बीएसएससी ऑफिस आइए और बीएसएससी के अध्यक्ष सचिव से मिलकर हम लोग अपनी मांगों को रखेंगे और जो हमारा सही मांग है उन्हीं मांगों को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि गलत मांग को लेकर कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग निश्चित रूप से 20 जुलाई को सुबह 11 बजे बीएसएससी ऑफिस आइए। धन्यवाद। जय हिंद।